अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी चिकन पुलाव, तो मैंने कहा रेसिपी तो आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ और दिखा दूँ मैं कैसे बनाती हूँ। आज सबसे पहले हम चूल्हा जलाते हैं। चलो जी, चूल्हा हमारा जल गया है, अब हम इसमें घी डालेंगे। घी थोड़ा सा हमारा पिघल जाए तो ये हमने लिए हैं 2 प्याज लिए हैं छोटे। अगर आपके पास एक बड़ा है तो एक डाल लें, छोटे छोटे हैं तो दो। दो मैंने प्याज लिए हैं, 3 मैंने छोटे टमाटर लिए हैं, 1 मैंने लहसुन का पीस लिया है, 4 1 मैंने अदरक का पीस लिया है, 4-5 मैंने लहसुन के पीस लिए हैं, और ये 4-5 मैंने हरी मिर्च ली है, उनको इस शेप में मैंने काट ली है। ठीक हो गया। तो 1 किलो हमारा चिकन है और 3 पाव हमारे चावल हैं, मतलब 1 किलो से 1 पाव कम होंगे और 1 किलो हमारा चिकन है। ये उसकी रेसिपी मैं आपको पूरी बता रही हूँ, इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखो घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। मुझे तो घी देर में लहसुन अदरक जो है ना इसका पेस्ट बना लेते हैं, इसको कूट लेते हैं। माशाल्लाह प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है, और इसी तरह ब्राउन रखना है, ज़्यादा प्याज जलाना नहीं, तो हमारे काले काले चावल जो है ना वो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन चावल बन गए। लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया, इसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अभी वो सारा ना उतर जाएगा चक्कर के साथ। चलो देखना अंदर तो साफ हो गया सारा लहसुन, अच्छी तरह लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें चिकन डालते हैं, लहसुन डाल के मैंने हल्का सा लहसुन डाल के भी साथ फ्राई कर लिया। अब इसमें हम चिकन फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन की स्मेल जो है वो भी चली जाएगी और चिकन की जो बोटी है वो थोड़ी ब्राउन ब्राउन हो जाए, तो वो इसके अंदर नहीं डालना। ठीक हो गया, अब चिकन डाल दिया, फिर बाकी हम साथ साथ आपको इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं इसी मसाले के अंदर। इसमें से इसका जो चिकन का पानी और निकल रहा है ना वो अच्छी तरह हमने इसको चिकन को मतलब इसका पानी खुश करना है, इसको मसाले में प्याज और लहसुन अदरक के मसाले में पहले अच्छी तरह फ्राई करना है। बोटी भी हमारी फ्राई हो जाएगी, ब्राउन भी हो जाएगी और बोटी बहुत मज़े की बनेगी। फिर इसमें मसाले डालने, और जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से बनाए, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का बनेगा। और हमारी पूरी वीडियो देखा करें, और जो हमारे चैनल पे नए आते हैं वो हमें सब्सक्राइब कर दिया करें, पूरी वीडियो देखा करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें। देख सकते हैं बूटी ने घी छोड़ दिया है, मसाले ने भी घी छोड़ दिया है, घी इसमें से निकल आया है। बूटी समझो हमारी फ्राई हो गई, इसका पानी भी खुश्क हो गया, जो मसाले ने पानी निकाला था वो भी खुश्क हो गया। थोड़े खुले गर्म मसाले ले लिए, वो डालेंगे इसमें। ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है वो डाला, गरम मसाला भी डाल लिया और सूखा धनिया भी डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक ऐसे कि हमने 1 चम्मच नमक डालना है, कुटी मिर्च ये डाल दी है, कर लेती हल्का सा इसके को पानी का छींटा लगाना है। इसी तरीके से बनाए, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। ये हमने लिया है शान वालों का पुलाव मसाला, शान वालों का ही मैं मसाला इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हर चीज़ में मैंने जिस चीज़ में डालना होता है उसी में मैं डालती हूँ। ये शान वालों का पुलाव मसाला ये बहुत अच्छा होता है, और ये इससे पुलाव बनाए बहुत अच्छा मसाला है। ये मैंने दही ली है थोड़ी सी, इसमें हमने आधा पैकेट डालना, ज़्यादा नहीं हमने डालना, क्योंकि हमने खुले मसाले अपने डाले हैं, तो थोड़े से चावलों में आप आधा पैकेट डाल सकते हैं, फिर ज़्यादा वो मसाला हो जाएगा ना। ऐसे मिक्स कर लेना, मिक्स करके फिर हमने उसमें डालना। एक तो वो जो दही की वो होती है रोड़ियाँ सी होती है, वो जो उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, दही में अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। और इस तरह मसाला जब भी कोई भी मसाला डालें तो दही में डाल सकते हैं। हो गया, अब हम इसमें डाल
भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। मिक्स करके तो अब हम इसमें जो है हमने ये हरी मिर्च जो काटी थी वो डालेंगे और ये हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ठीक हो गया, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे इमली। ये हमने इमली ली है, ये हमने 5-6 जो पीस ले लिए हैं आलू बुखारे के। ये पुलाव में ज़रा बच्चों को बहुत मज़े का लगता है, वैसे भी बहुत अच्छा पुलाव बनता है। ये हमने ये डाल दिया लेते हैं 4 के डिब्बे 4 डालने लगे। ये भी नेस्ले कंपनी का है, ये माशाल्लाह ये भी बहुत मज़े का होता है, हम तो यही इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा 4 भी डालूँगी, ये हमारा पुलाव बन जाएगा जैसे देगी पुलाव और हमारे तरीके से बनाए इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का बनेगा। ये मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना 5 मिनट के लिए, इसको चिकन को गलने देना। अभी इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह गल जाए और मसाला मतलब सारे प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे पुलाव में, तो फिर इसको पानी लगा कर हमने चावल डाल देने। यही सारी चीज़ें डालनी है और इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का पुलाव बने। चलें जी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा मसाला भी गल गया और जो घी भी मसाले ने छोड़ दिया। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बोटी की भी जो है खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये कितना अच्छा बन गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये 2 गिलास हमने चावल लिए हैं तो 4 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल पूरा होएगा और चावल बड़े अच्छे बनेंगे। ये 2, 3 और 4 ठीक हो गया, अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरीके से बनाए इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। अब इसको 1-2 बॉईल आ जाए तो फिर हम इसमें चावल डाल देते हैं। माशाल्लाह बॉईल आने लग पड़े हैं तो अब हम इसमें चावल हमने जो है 10-15 मिनट आपने चावल भगोने हैं, समझे आप मसाला बनाना शुरू किया है तो चावल साथ भगो देने हैं। चावल आपने लेने सुपर बासमती, वो बहुत अच्छे चावल होते हैं। वैसे आप कोई भी सेले के अलावा कोई भी चावल ले सकते हैं, सेले का पुलाव अच्छा नहीं बनता। मैं मिक्स करना क्योंकि इसका ही पुलाव अच्छा लगता है और इसी का ही पुलाव अच्छा लगता है, सुपर बासमती चावल जो है। मान लिए जब आपने डाल चावल हमने डाल दिए हैं तो चावल डाल कर आपने बस 1 दफ़ा ही हल्का सा चम्मच हिलाना है, उसके बाद आपने चम्मच नहीं हिलाना, चावल टूट जाते हैं। अब जब हमारा जो पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमने इसको दम लगाना है, इसको ऊपर से ढक देते पक देते। चलो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी जो है हमारा खुशक हो गया। एक साइड से ऐसे थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं, हाँ पानी खुशक हो गया। अब हम इसको जो है दम लगाते हैं। दम जो है आपने 8 मिनट दम लगाना है, माशाल्लाह 8 मिनट में बड़ा अच्छा चावल तैयार हो जाएगा और दम लग जाएगा। वो बिल्कुल आपने डिम कर लेना है, बिल्कुल स्लो रखनी है आँच, ये ना हो ना आपकी आग जो है वो ज़्यादा तेज़ हो तो नीचे चावल जल जाए, फिर वो जो पुलाव है वो उसमें हमारा जायका चलने वाला जायका आएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे दम लगाना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह दम हम खोलने लगे, दम हमारा हो गया है, 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं माशाल्लाह पुलाव हमारा कैसा कितने मज़े का बना है। और ये देख एक एक चावल पे बहुत मज़े का बना। के बने और दम हमारा जो है हमने खोल लिया है, इसी तरीके से बनाए इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बनेंगे। हम ये बोटी देख लें कितनी नरम और चावल हमारे बहुत मज़े के बने। हम खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं चेक करके आप लोग को बता दूँ कैसे बने। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बनेंगे और वीडियो हमारी पूरी देखा करें और जो चैनल पे नए आते हैं वो हमें सब्सक्राइब कर दिया करें। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।